ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इंजीनियर करियर पॉइंट चंडीगढ़। तो आज मैं आपके पास यहाँ पे गेट के रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट प्रोवाइड करने आया हूँ, यहाँ पे गेट 2025-2026 के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपके पास यहाँ पे हम गेट के एक नए सेशन को आप यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम जून 2024। ओके, सो अभी आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे जो अपनी प्रिपरेशन है, ठीक है, वो जून से अगर कंटिन्यू करते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका सफिशियंट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पर है जिसमें आप स्टडी कर सकते हो। और आपके पास यहाँ पे इन केस अगर आपको बिल्कुल भी टेक्निकल में बहुत ज़्यादा वीक हो तो आपके पास एक सफिशियंट टाइम होता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है ना। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके पास यहाँ पे जो गेट है तो एक बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब आपके पास इसी से रिलेटेड कुछ मैं अपडेट प्रोवाइड करें कर रहा हूँ। और आपके पास यहाँ पे फिर हम एक न्यू टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जिसमें मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को कवर अप करूँगा, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करेंगे। अब इस केस में सबसे पहले देख लो, आपके पास यहाँ पे कोई भी क्वेरी है अगर आपके पास, ठीक है ना, तो स्क्रीन पे जो भी आपको विजिबल अभी हो रहा है मोबाइल नंबर, जैसे कि इस मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हो, जो कि है SCO 13436 थर्ड फ्लोर सेक्टर 34 चंडीगढ़। ओके ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सो बेसिकली अगर हम बात करें जैसे थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। कोई भी आपके पास यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग की जो हम स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले आप जो सब्जेक्ट स्टडी करते हो थर्मोडायनेमिक्स को ही स्टडी करते हो, ठीक है ना। और ये एक तरह का बेस क्रिएट करेगा आपके सभी के सभी थर्मल सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे RAC, चाहे AC इंजन, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो इस सब्जेक्ट को तो आपको बहुत थॉरली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे होता है। और एक बार अगर आपने इसमें इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट गेन कर लिया, तो आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग में डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे इंजॉय भी करोगे, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते क्या हो बेसिकली, देखो हमारे पास कोई भी अगर हम सिस्टम को देखें, किसी भी चीज़ को हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं, जिस चीज़ को भी हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी। और सिस्टम के अलावा जो भी इस यूनिवर्स में है, इंटायर यूनिवर्स में, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग, ठीक है ना। तो आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए हमारे पास होती है बाउंड्री। तो ये तो चलो सिंपल से टर्म हम डिफाइन करते हैं कुछ इस वे में। अब यहाँ पे जब हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे, तो बेसिकली आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे आप पढ़ते हो एनर्जी इंट्रैक्शन को बिटवीन द सिस्टम एंड बिटवीन द सराउंडिंग, ठीक है ना। अब ये जो एनर्जी का इंट्रैक्शन है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से होता है, जैसे कि अगर हम बात करें वर्क इंट्रैक्शन से हो सकता है, मास इंट्रैक्शन से हो सकता है, या एनर्जी आपके पास यहाँ पे हीट इंट्रैक्शन, वर्क इंट्रैक्शन और आपके पास मास इंट्रैक्शन से हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में अगर हम बात करें, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के लॉज ऑफ लॉज पढ़ते हो, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें से आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो एक हल्का सा मैं आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा, फिर आपके पास हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ हमारे पास यहाँ पर है, फर्स्ट लॉ ये बोलता क्या एक्चुअली में, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात यहां पे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ठीक है ना। मतलब कि पूरे के पूरा जो सिस्टम है उसकी एनर्जी हमेशा सेम रहने वाली है, वो चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, इसका आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अब आपके पास कोई भी सिस्टम है वो इंट्रैक्ट करता है सराउंडिंग के साथ, तीन तरह से इंट्रैक्शन होती है जैसे मैंने आपको बताया, हीट इंट्रैक्शन, वर्क इंट्रैक्शन एंड मास इंट्रैक्शन, ठीक है ना। तो जब भी इंट्रैक्शन हो रही है तो आपके पास यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है, एनर्जी इन समथिंग कुछ एनर्जी आउट, ठीक है। तो इस चीज़ में आपकी एक चीज़ देखो, जैसे कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हमने क्या देखा हुआ है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो कि किसी से इंट्रैक्ट नहीं करता, मतलब ये इंटायर यूनिवर्स सब एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पे ना ही मास ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी इंट्रैक्शन होगा। तो अगर आपके पास इस सिस्टम में किसी भी तरह की एनर्जी इंट्रैक्शन नहीं होगी, तो दैट मींस इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या रहने वाली है, मतलब कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना, इसमें आप देख सकते हो। लेकिन जब हम बात करें क्लोज सिस्टम की, अब क्लोज सिस्टम में केस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है,
क्यों? क्लोज सिस्टम के अंदर मास ट्रांसफर आपके पास यहां पे नहीं होता, मास कांस्टेंट है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो अब आपके पास मास यहां पे कांस्टेंट है और एनर्जी जब ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम डिफरेंट तरह से लिखते हैं कुछ, तो यहां पे आपको एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब हम यहां पे एक सिंगल प्रोसेस के लिए जब हम डिफाइन कर रहे हैं, तो सिंगल प्रोसेस के लिए आप सिंपली लिखते हो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ऐसे डिफाइन कर रहे हो एक प्रोसेस के लिए। साइकिल की जब हम बात करें, तो आपके पास यहां पे जो हीट ट्रांसफर होगा, या हम सिंपली बोलते हैं कि जो नेटवर्क होगा वो नेटवर्क इक्वल होगा, ये आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में क्या हुआ, आइसोलेटेड क्लोज सिस्टम के लिए तो सिंपल है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। जब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम के लिए, तो एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्यों? जैसे आप यहां पे देखो, आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो मास बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है सिस्टम से, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मास और आपके पास एनर्जी दोनों ही क्या हो रही है, ट्रांसफर कर रही है। तो अगर मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर करेगी, तो यहाँ पे आपके पास मास बैलेंस भी आपको करना पड़ेगा, एनर्जी बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक्चुअली में होता क्या है, जब हम स्टडी करते हैं आपके पास ओपन सिस्टम की, तो दो डिफरेंट वे में करते हैं। एक होता है स्टडी फ्लो, एक होती है मेरे पास अनस्टडी फ्लो में, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है आपके पास, ठीक है ना। अब स्टडी और अनस्टडी का मतलब हुआ क्या, स्टडी का मतलब है कि आपके पास अगर कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है, तो वो कांस्टेंट, मतलब फ्लूड की जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली, वो कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ, ठीक है ना। तो इस केस में अगर अनस्टेडी फ्लो की बात करें, तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो वेरी कर सकती है, वो कांस्टेंट नहीं है टाइम के साथ, ठीक है ना। तो हमें अब जो देखना है, वो सिर्फ अब देखना है कि फ्लो प्रोसेसेस, स्पेसिफिकली स्टेडी फ्लो के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस ढंग से आप यहाँ पे लिखते हो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना। फिर हम, मैं आपको अनस्टेडी फ्लो के केस में बताऊंगा, मैं डायरेक्टली क्लब करने की कोशिश करूंगा कि आखिर आपके पास यहाँ पे अगर आप अनस्टडी फ्लो को समझ गए, तो ऑटोमेटिकली स्टडी फ्लो तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि जब भी कोई स्टडी स्टेट है मेरे पास सिस्टम का, तो उसमें जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, ठीक है ना। वो हमेशा आपके पास एक पर्टिकुलर लोकेशन पर फिक्स वैल्यू को अटेन करेगा टाइम के साथ, वो चेंज नहीं होने वाला, पहली बात तो यहाँ पर ये, ठीक है ना। स्पेस के साथ वेरी कर सकता है, लेकिन टाइम के साथ नहीं, ठीक है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बताऊंगा ऐसे कैसे हो रहा है ये। नेक्स्ट, आपके पास अगर हम बात करें, जो स्टेडी का स्टेट का मतलब ही है कि जो स्टेट है वो इनवेरिएंट है टाइम के साथ, ठीक है ना। इनवेरिएंट मतलब किसी भी तरह का चेंज नहीं देखने को मिलने वाला। चलो अब देखते हैं आपके पास यहाँ पे कैसे करते हैं। अब डायग्राम बना हुआ है हमारे सामने, डायग्राम सब क्लियरली आपके पास हो जाएगा कि हमें पढ़ना कैसे है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो एक सिंपल सा सिस्टम है, एक सिंपल सा सिस्टम मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक इनलेट पाइप है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 मेरे पास यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पे एक आउटलेट है, और आपके पास सेक्शन नंबर 2 यहाँ पे डिफाइंड है। कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है इसके अंदर अंदर बाहर, ठीक है ना, जस्ट ऐसे समझना। मान लो अगर आपके पास यहाँ पे ये कंप्लीटली फिल है, और मैं आपको कह रहा हूं कि भाई यहां से कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है, लेट अस से 2 kg पर सेकंड से, और 2 kg पर सेकंड से एग्जिट कर रहा है, तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर का जो मास है चेंज होगा या नहीं? वो तो सेम रहने वाला है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है मेरे पास, ठीक है ना। अब आपके पास यहां पे आप देख सकते हो मास फ्लो रेट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, वो तो आपके पास यहां पे कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, ठीक है ना। और आपके पास जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज सेम रहने वाली है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हम सबसे पहले मास बैलेंस करने की अगर हम कोशिश करें, तो देखते हैं, कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मास कुछ एंटर हुआ, लेट अस सपोज कुछ मास एंटर हो रहा है,
वन से और आपके पास यहाँ से मास एग्जिट कर रहा है, यहाँ से मास एग्जिट कर रहा है। तो अगर आपके पास यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाता। मान लो जैसे ये आपके पास कम होता और ये ज़्यादा होता, तो मतलब ये कंटेनर को फिल कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मास बैलेंस को सिंपल सा लिख सकते हो कि मास एंटर माइनस मास एग्जिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू फाइनल मास इन द कंटेनर माइनस इनिशियल मास, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, खुद सोचो, सोच के देखना। अगर मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे कंटेनर इनिशियली कंप्लीटली फुल है, ये कुछ मास है इनिशियली आपके पास यहाँ पे, और वन से और टू से जो मास फ्लो रेट है वो सेम आ रहा है, मास एंटर और मास एग्जिट अगर सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहां से आप क्लियरली कह सकते हो कि हमारे पास फाइनल मास जो होने वाला है बेसिकली वो इनिशियल मास के इक्वल यहां पे होने वाला है, ठीक है ना। इसका आपको यहां पे ध्यान रखना है, कंटेनर के अंदर मास वेरी ही नहीं कर रहा, मास कांस्टेंट है। अब ये करना क्यों पड़ा हमें, जैसे मैंने आपको बोला आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर करती है, सॉरी दोनों एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, तो दोनों को कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगी। क्लोज सिस्टम में आपके पास यहाँ पे मास ट्रांसफर नहीं करता, एनर्जी ट्रांसफर करती है, तो आप क्या करते हो, एनर्जी बैलेंस को करते हो, मास को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओपन सिस्टम में आपके पास यहाँ पे मास भी बैलेंस, मास अप भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, तो दोनों को बैलेंस करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब आप स्टेडी फ्लो एनर्जी की इक्वेशन की बात कर रहे हो, स्टेडी फ्लो की बात कर रहे हो, तो उस केस में अगर हम देखें तो जितना फाइनल मास था कंटेनर के अंदर, सॉरी जितना इनिशियल मास था कंटेनर के अंदर वही फाइनल मास रहने वाला है, वो वेरी नहीं करने वाला। यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो वेरी नहीं करेगा यहाँ पर। चलो अब चलते हैं आपके पास एनर्जी बैलेंस के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे देखो जब आपके पास फ्लूइड एंटर कर रहा है तो अपने साथ क्या लेके आ रहा है, एंथैल्पी को लेके आएगा, कुछ एनर्जी कंटेंट लेके आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें, एनर्जी बैलेंस अगर हम करें और स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो का मतलब आपके पास सिस्टम की जो एनर्जी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो मतलब कि आपके पास फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी सेम रहने वाली है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एनर्जी एंटर जो मेरे पास यहाँ पे होने वाला है वो आपके पास एग्जिट के इक्वल होने वाला है, क्योंकि अगर एनर्जी एंटर और एनर्जी एग्जिट अगर सेम हुआ उसी वे में हम उसी से कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एनर्जी एंटर कर कहाँ से रही है, सबसे पहले फ्लूइड एंटर कर रहा है तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर कुछ अपने साथ एंथैल्पी लेके आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले ये एनर्जी एंटर कर रही है। अब आपके पास यहाँ पे बात करोगे जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा चलो मास फ्लो रेट को हम बाद में कंसिडर करेंगे, मास फ्लो रेट को हम बाद में लिखते हैं, चलो। तो आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, V1² / 2 होगी। अब आपके पास अगर आप देखोगे डेटम मेरे पास यहाँ पर यह है, इसे कुछ हाइट यहाँ पे मेंटेन है, तो एक रेफरेंस भी आपने यहाँ पे मार्क कर रखा है Z1, तो दैट मीन्स ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ हीट ट्रांसफर भी हो सकता है, बाहर से अंदर की तरफ हो सकता है और अंदर से बाहर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस फिगर में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो एनर्जी जो हीट ट्रांसफर कर रहा है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ये जस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस केस में अगर आप देखोगे, लेट अस से कि आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा है Q डॉट, ठीक है। तो
तो अब इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें एनर्जी एग्जिट कितनी कर रही है, तो अब देखो जब फ्लूड यहाँ से एग्जिट कर रहा है तो अपने साथ एनर्जी को लेके जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास एम टू एच टू आ गया, यहाँ पे एंथैल्पी कुछ होगी, कुछ एनर्जी होगी, हमें नहीं पता। अब आपके पास यहाँ पे जब फ्लूड एग्जिट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और कुछ सिस्टम अगर वर्क डन कर रहा है यहाँ पे तो वर्क डन को भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये बहुत एक हमने इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखी है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी सिस्टम के अंदर एनर्जी एंटर करेगी उतनी ही एनर्जी एग्जिट करेगी। ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम ना हुए तो क्या होगा, अगर ये सेम नहीं होते तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, और सिस्टम की अगर एनर्जी चेंज हो गई तो मतलब वो सिस्टम टाइम के साथ स्टेडी मेंटेन ही नहीं रहेगा, ठीक, उसे हम स्टेडी बोल ही नहीं पाएंगे अगर वो टाइम के साथ चेंज हो गया। तो अगर आप इसे कहना चाहते हो कि ये एक स्टेडी फ्लो डिवाइस है, यानी कि मतलब एनर्जी अगर इसकी कॉन्स्टेंट है टाइम के साथ, दैट मीन्स कि एनर्जी एंटर्ड शुड बी इक्वल टू द एनर्जी एग्जिट, ठीक है ना। यही अगर एनर्जी अनस्टेडी फ्लो के लिए मैं लिखता तो ये दोनों बैलेंस नहीं हो सकते थे, मतलब अनइक्वल है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारे पास जैसे कि ये इक्वेशन यहां पे बन गई, जैसे मैंने आपको यहां बोला कि यहां पे मास एंटर और मास एग्जिट सेम होना चाहिए, तो अगर आप देखोगे m1 और m2 क्या होंगे, यहां पे सेम होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये जो इक्वेशन है इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है। पावर प्लांट में आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो, या फिर आरएसी में कुछ कोई पढ़ रहे हो, या फिर आईसी इंजन में पढ़ रहे हो, सब जगह आपके पास स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज़ होता है। आपके पास हीट एक्सचेंजर, टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स जो आप स्टडी करते हो, तो वहाँ पे भी इनडायरेक्टली आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज़ कर रहे हो। इवन दो बर्नौली इक्वेशन तक को आप ड्राइव कर सकते हो फ्रॉम द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपके पास अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिगार्डिंग, दो क्वेश्चंस करेंगे आपके पास यहाँ पे रिगार्डिंग, फिर आपके पास इसे वाइंड अप करेंगे। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, अब जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले द इनलेट एंड द आउटलेट कंडीशन ऑफ अ स्टीम फॉर एन एडियाबेटिक स्टीम टर्बाइन आर इंडिकेटेड इन द नोटेशंस आर यूजली फॉलोड। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है ना, आपके पास जब भी गेट में कोई क्वेश्चन फ्रेम होगा तो वो हमेशा ना प्रैक्टिकल डिवाइसेस के नेम के थ्रू आपका सेम आएगा, उसमें प्रैक्टिकल नाम मेंशन होंगे, जैसे स्टीम टर्बाइंस, एडियाबेटिक स्टीम टर्बाइंस, आपके पास यहाँ पे इकोनोमाइजर्स, एयर प्रीहीटर, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक डिवाइस का काम क्या है, ठीक है ना। अगर आपको उनका नाम पता है, आपको पता है कि वो डिवाइस क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में आप थ्रेटिकली नॉलेज को बहुत ईजिली अप्लाई वहाँ पर कर सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इफ द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम थ्रू द टर्बाइन इज 20 किलोग्राम पर सेकेंड, 20 किलोग्राम पर सेकेंड, तो उस केस में, अरे तो आपके पास यहां पे अगर आप देखोगे मास फ्लो रेट 20 किलोग्राम पर सेकेंड है, तो पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन क्या होगा, ठीक है। तो डायग्राम को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो इस केस में टर्बाइन जो है वो स्टेडली आपके पास स्टेडी फ्लो डिवाइस आपके पास यहाँ पे होता है, जिसमें मास फ्लो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसे भी हमने आपको बताया पीछे कि मास फाइनल हैज़ टू बी इक्वल टू द मास इनिशियल और द मास एंटर्ड इट शुड बी इक्वल टू द मास एग्जिट, ठीक है ना। तो मास फ्लो रेट एट द इनलेट और एट द एग्जिट 20 किलोग्राम पर सेकेंड सेम रहने वाला है। नेक्स्ट आपके पास स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो आपके पास मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट सप्लाइड इज इक्वल टू मास फ्लो रेट तो ये आपके पास स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख दी। थोड़ा ध्यान रखना, इस इक्वेशन में बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी आंसर गलत कर देते हैं, यूनिट बैलेंस नहीं कर पाते इसलिए, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे कि आपके पास मास फ्लो रेट दे रखा है 20, हमें मेगा वाट में आंसर निकालना है ना, वाट में, तो 20 मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंथैल्पी निकालनी है, एंथैल्पी दे रखी है 3200 किलो जूल पर केजी, 3200 प्लस काइनेटिक एनर्जी गिवन है 160,
अब एक चीज़ का ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी जब आप निकाल रहे हो तो ये आएगी, देखो ये सी वन स्क्वेयर बाय टू है, ये आएगी जूल पर केजी में। तो जब आपने मास को रेट के साथ मल्टीप्लाई करा ये आएगा जूल में, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म किस में है हमारे पास, किलो जूल में। दैट मीन्स इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस 1000 को अगर आप नहीं इंक्लूड करोगे तो आपका आंसर मैच करेगा ऑप्शन में लेकिन गलत होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस ग्रेविटी इंटू Z1 दे रखा है 10 मीटर, डिवाइडेड बाय 1000। अगेन मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है इसे किस में, किलो जूल, आपके पास किलो जूल में, ठीक है। आपके पास Q जीरो होगा, क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक है, ठीक है। अब आपके पास ये जो टर्म है ये इक्वल होगी किसके, मास फ्लो रेट, एंथैल्पी 2600 प्लस 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 9.81 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस वर्क आउटपुट आपको निकालना है। तो अगर आप इंटायर इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो मे बी आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 12.5157 आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो, ठीक है ना। जस्ट परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड यू विल गेट योर आंसर। सो आंसर यू विल गेट हियर 12,157 किलो वॉट, ठीक है, मेगा वॉट में आपसे पूछा हुआ है तो 12 पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ओके। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, Assume the above turbine to a part of a simple Rankine cycle. The density of the water at the inlet to the pump is 1000 kg per meter cube. Ignoring kinetic and potential energy effect, the specific work supplied to the pump. अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसने ये बोल दिया कि जो टर्बाइन है ना, ये वाली टर्बाइन, चलो इसको मैं यूज कर रहा हूँ Rankine cycle के अंदर। Rankine cycle एक प्रैक्टिकल साइकिल है जिसका हम यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है ना। तो Rankine साइकिल के अंदर क्या हुआ, एक यहाँ पे होता है बॉयलर, यहाँ पे होती है टर्बाइन जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है, और ये वर्क प्रोड्यूस कर रही है 12.157 मेगावाट। अभी आपने कैलकुलेट करा, यहाँ पर दे रखा है कंडेंसर और यहाँ पे दे रखा है मेरे पास पंप, ठीक है। तो बेसिकली पंप में कितना वर्क इनपुट आप दे रहे हो ये हमें कैलकुलेट करना है इस केस में। चलो इसे अब निकालते हैं, बहुत सिंपल सा केस है। पंप क्या है बेसिकली, पंप इज अ ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम के लिए वर्क कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वीडीपी, ये आपके पास होता है यहां पे, ठीक है ना। तो आपके पास अगर हम यहां पे देखें, इसको हम सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय रो, कुछ नहीं करा, सिंपली स्पेसिफिक वॉल्यूम को 1/ρ की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो पंप आपके पास बॉयलर प्रेशर तक कंप्रेस कर रहा है, बॉयलर प्रेशर वही प्रेशर है जो कि टर्बाइन के इनलेट पर है, पंप के एग्जिट पे टर्बाइन का इनलेट प्रेशर है, पंप के एंट्री पे टर्बाइन का एग्जॉस्ट प्रेशर है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो प्रेशर दे रखा है 3 MPa एंड 70 kPa। तो सॉल्व करोगे अगर 3 MPa मतलब 3000 kPa माइनस 70 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर कितना आ रहा है 2930 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है ना। यानी कि मतलब 2.930 किलो जूल पर केजी आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक वर्क सप्लाइड होगा पंप के अंदर। तो आप देख सकते हो सिंपल सा आपके पास यहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन का टॉपिक था, लेकिन जो क्वेश्चन है वो एक पावर प्लांट से भी आपके पास फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल से आपके पास आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपके पास ये क्लियर होगा यहाँ पे आपको, ठीक है।
आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन विज़िट करना चाहते हो, ऑफलाइन आप इस एड्रेस पे विज़िट कर सकते हो, SCO 134-136 पे, 34 चंडीगढ़, ठीक है। और आपके पास या फिर कोई भी अगर डाउट है, कुछ और क्वेरी हो आपकी, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आपके पास गेट का जो बैच है वो अनाउंस होने वाला है जून में, और स्टार्ट होने वाला है आपका जून में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ वीक में, ठीक है ना। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे स्टार्ट करो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।